मनवीर हमारे साथ हैं तो अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। हाँ, जो बिग बॉस अभी 11 में एक बार फिर से एक कॉमन मैन दो तीन तीन सेलिब्रिटी के साथ के सामने खड़ा हुआ है, तो इस बार क्या एक और मनवीर गुर्जर मिलेगा हमारे देश को? क्या पुनीश में वो काल आपको लगता है क्या वो झेल पाएगा? बिकॉज इस बार एक कहानी कुछ अलग है, तीन तीन बहुत पॉपुलर कंटेस्टेंट्स के सामने अकेला पुनीश, तो इस बार कॉमन मैन जीतेगा? देखो, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ बिग बॉस 10 की, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा, बट वहाँ लड़ाई सेलिब्रिटी वर्सेस और कॉमनर थी, तो वहाँ चलता है। बट अभी जो है ना, ये जो चार खड़े हैं, चारों जीत चुके हैं। मैं कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जैसा भी मुझे पता लगता है सोशल मीडिया से कि ये चल रहा है, ये चारों बंदे जो यहाँ हैं ये डिज़र्व करते हैं, ये पहुँच चुके हैं। अब रही 3 vs 1 लाइक पुनीश, तो अगर पुनीश का लगता है कि वो चल जाएगा और बात बन जाएगी उसकी, क्योंकि उसके जो 7 लोग खड़े हैं वो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कुछ ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं आपस में, शिल्पा हो गई, विकास हो गया, हिना हो गई, तो यहाँ तक पहुँचना भी पुनीश के लिए एक जीत है। तो जैसा मिलता है और जितना मिला है उसी में खुश रहो। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं उसमें विनर देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, बट यहाँ तक पहुँचना भी उसके लिए जीत है जी। लेकिन इस साल जो मैं अगर इस साल आपके सीजन और इस साल को कंपेयर करूँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इतने क्लब्स इतने सब बन गए थे, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इस साल बहुत उभर के आया इस सीज़न के बिग बॉस में, क्या आपको लगता है? जितना मैंने इसको देखा स्टार्टिंग से ही बिग बॉस 11 को, हमारे टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो, जिसमें कॉमनर एंटर हो रहा था। अभी इन्होंने कोई पड़ोसी वाला सीन बनाया कि पड़ोसी बजा देंगे 12, तो सबको ना एक कंटेंट चाहिए होता है, किसी को प्यार से मतलब नहीं है, किसी को हंसी से मतलब नहीं है, अब लोग एक दूसरे की लड़ाई देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो इस बिग बॉस 11 शो ने दिए। या आप कहो हिना की विकास से लड़ाई हो, या विकास की शिल्पा से लड़ाई हो, या वो कॉमनर लड़ रहे हो आपस में, तो आप देखते हो ना कि ये हम सब का कॉमन नेचर है। अगर दो बंदे प्यार से बात कर रहे होंगे तो कोई खड़ा होकर नहीं देखेगा, बट अगर दो बंदे लड़ाई कर रहे होंगे और गालियां दे रहे होंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इस टाइप का कुछ इस बार ये शो रहा है कि इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज, इनके पीछे के इतने ग्रजिस शिल्पा के और विकास के, तो कहीं ना कहीं शो को बांध के रखा है इन लोगों ने, और सोशल मीडिया भी मिर्ची उठाता है उनको, मतलब मीठे में तो मज़ा ही नहीं है, तो उनको नमक मिर्च चाहिए, वो मिल रहा है, वो 11 दे या 10 दे, वो 12 भी दे, तो अब ये तो इनके ऊपर है जो बना रहे हैं कि इनको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है अभी इनमें से जीतेगा कौन 4 में से? अगर आपको बेट लगाना हो तो आपको 4 में से, आप क्योंकि विनर हैं तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, शिल्पा, विकास, हिना या फिर हमारे पुनीश? लाइक मैं अपनी जर्नी से रिलेट करके बताऊं तो एक बंदा ऐसा जीतता है जिसको लोगों ने एक पॉजिटिव वे में देखा हो, और उस घर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कल क्या बदलेगा, या आपका दोस्त कल आपको पता नहीं क्या कह दे क्या नहीं कह दे, तो रोज़ का दिन एक नया दिन होता है, टास्क होते हैं, खाना पीना होता है, जीना होता है, नहाना धोना, एक पूरी लाइफ जीनी होती है, इन सब के बीच ना आप लोगों को जज नहीं कर सकते कि कब गलत कब सही, बट एक ग्राफ बनता है जो कि मेरा बना था। लाइक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट लोगों से भी पता चलता है कि भाई आप बहुत पॉजिटिव थे, आपने किसी की बैक बिचिंग नहीं की, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने अपना खेल खेला। ऐसा ही मैं देखता हूँ विकास को, उसको मास्टरमाइंड बोलते हैं, बट दो तरह के दिमाग होते हैं जो कि मुझे पता है, और मतलब ये मेरी नॉलेज में है कि दो तरह के दिमाग होते हैं, एक दिमाग होता है जो अपना फ़ायदा कर रहा हो और दूसरे का नुकसान कर रहा हो, एक दिमाग होता है जो सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहा हो, दूसरे के नुकसान से उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं उसका करूँ ही नहीं, ये विकास का है, वो अपना दिमाग लगाता है अपने लिए ना कि दूसरे को नुकसान करने के लिए। अब और किसी की बात करूँ तो शिल्पा भी कहीं ना कहीं पूरे ग्राफ में इधर उधर हुई है, हिना का भी उतार चढ़ा हुआ है, बट मुझे जो जर्नी अब तक अच्छी लगी है विकास की, और मैं चाहूँगा यही कि विकास ही शो जीते, तो मेरा तो फेवरेट, और जीतने के लिए बोलूँ तो मेरा विकास गुप्ता। ये बताएं इस साल जो कॉमन मैन आए, जैसे खासकर लव त्यागी, वो काफ़ी आगे तक खेले, पुनीश हुआ या फिर आकाश ददलानी हुआ, तो अर्षी भी एज कॉमन मैन आई थी, तो इस साल कॉमन मैन का पलड़ा कितना भारी रहा इस सीज़न की मैं बात करूंगा, अगर आपकी सीज़न से कंपेयर करूं, वहां तो पिछले साल छाए हुए थे, लेकिन इस साल इन कॉमन मैन भी काफ़ी आपको लेने लगता है कड़ी टक्कर दी, इतने आगे तक पहुंचे ये सब के सब सेलिब्रिटीज़ भी, क्योंकि ये लोग बहुत पॉपुलर लेके आए थे कॉमनर्स के लिए, तो ना ये अपॉर्चुनिटी एक तरह से एक जीत है, एक बिग बॉस में जाना करोड़ों लोगों में से, ये एक अपने आप ही एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि वो जीत गए शो। बट होता क्या है ना, ये शो बनाते हैं, लाइक मैंने अभी बोला कॉमनर वर्सेज सेलेब, अभी पड़ोसी बजाएंगे 12, तो अभी कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट कर रखा था कि ये कॉमनर है और ये सेलिब्रिटी है, तो मिलके खेलना था, अब उसमें हम लोगों को पता है कि ये कॉमनर है या नहीं है, लेकिन लाइफ तो वो वही जियेंगे ना जो वो करते आए, लाइक जैसा जिसका बैकग्राउंड रहा है, जैसा जो बिहेव करता है, तो लव इतने आगे गया है, लव को भी बहुत बहुत बधाई हो कि यहाँ तक पहुँचा है वो,
और कॉमनर्स भी अपनी जगह ठीक थे, बट क्या होता है ना, एक एक एक्टर को और एक नेम को, जैसे कोई सेलिब्रिटी है उसको थोड़ा सा रहता है अपने स्टेटस के साथ, अपनी इमेज के साथ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ करके चलता है। बट मुझे इस बार वो नहीं दिखा, इस बार मुझे लगा है कि ये सेलेब तो मतलब कि हद पार करके गए हैं, या वो किसी का भी नाम लो, और लेकिन कॉमनर हिना और शिल्पा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। हाँ, तो हिना मतलब मैं बता रहा था ना, न्यूज़ में वही रहते हैं जिनका नाम होता है। और कॉमनर्स की बात करें तो धीरे धीरे सब निकल गए, बट सबकी इमेज अच्छी रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी का, कोई स्टार्टिंग के कोई एक दो बंदे थे उनको छोड़ दिया जाए, तो सब अच्छे नोट पे निकले हैं, और ये अच्छी बात है कॉमनर्स के लिए कि टीवी पे दिख के और एक अच्छे नोट पे जा रहे हैं। तो बिग बॉस ने आपकी कितनी लाइफ बदली, आज अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ये एक टिकट टू फेम रहा, आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपको घर घर तक पहुँचाया, और देश को एक, कई लोगों को आपने एक आशा के दिए जलाए कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लोग मुझे बोलते हैं, जैसे ट्विटर पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, कि भाई इंस्पिरेशन हो, ये हो, बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। लाइक कि आप किसी को देख के एक्टिंग करोगे या अपने आप को बदलोगे तो आप फिर खो जाओगे कहीं ना कहीं। लाइक किसी का नेचर होता है एग्रेसिव, तो अगर वो पॉजिटिव बंदा है और एग्रेसिव है, लाइक किसी को बचाने में एग्रेसिव है तो उसको लोग पसंद करेंगे, अगर वो किसी को नुकसान करने में एग्रेसिव है तो डिसलाइक करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि मेरा एज ए कॉमनर टू सेलिब्रिटी बनना, उस घर में 105 दिन बिताना और सारा कुछ वो फेस करना जो मैंने किया है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो मौके मिलते हैं, मौके सबको मिलते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ती है। और फिर मैंने सोच लिया था कि मेरे को करना क्या है, जैसा कि अभी अनंत जी आपको बता के गए, हम लोगों की बात हो चुकी थी, तो मैंने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं उठाई कि मैं कहीं और भी जाऊं, ये भी जाऊं, और मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का भी हूं, बाहर निकल के ना मैंने कोई ज़्यादा इवेंट ना कोई कहीं पे कोई प्रेजेंस दी है, तो मतलब कि आई वॉज लुकिंग फॉर एंड आई एम हेयर फॉर दिस मूवी। तो मेरा जो मकसद था वो यहीं आना था और स्टार्ट करना था अपने आप को, मैं कर चुका हूँ। तो भाई मनवीर तैयार है अपनी नई इनिंग्स के लिए, तो उम्मीद है कि इन्होंने जैसे उम्मीदों की दिए सबके दिलों में जलाएं, इस बार इनकी नई इनिंग्स में ये एक और शतक कायम करें। बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको आज के अयोध्या के अपने एक पार्टनर से भी मिला देता हूँ, जो कि मेरे साथ साथ ही रहेगा पूरी मूवी में। मीट मेरी मूवी का मेरा पार्टनर वरुण, वरुण हाँ, नाम इसका शौर्य है लेकिन ये मूवी में वरुण है, जैसे मैं रुद्र हूँ ये वरुण है। तो वरुण के बारे में क्या ख्याल है आपका, बिग बॉस मनवीर, बिग बॉस विनर, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था ऑफिस में, आई वाज लाइक मनवीर भाई ये कर रही ली मैं, आप तो बढ़िया है और इंस्पिरेशन है। एक्चुअली एक कॉमन मैन की तरह आए थे बिग बॉस हाउस में और आज स्टार है, और मेरे लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि मैं भी अभी कॉमन मैन। लेट्स सी, बहुत तगड़ा एक्टर है, इसकी बातों पे, हां इसकी बातों पे मत जाना, बहुत तगड़ा एक्टर है ये। तो चलो विश यू गुड लक आपको भी और ऐसे ही हमें भी, और आपके आशीर्वाद भी चाहिएगा और आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स भी जरूर। थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे साथ, अमित त्यागी, मुंबई आज तक।